वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित वांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस अभी हम आए चटनपुर, यहाँ पे माता रानी, यहाँ पे आपको दिखाने वाले साथ हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल बना हुआ है, उसको आप लोगों को दिखाने वाले हैं। मैं जस्ट अभी बाहर में हूँ और ये जो वाली रूट है आपको लेके जाएगा सीधा सेक्टर वाली रूट है, जो सेक्टर 5 आपको लेके जाएगा। और इस साइड अगर आप जाएंगे तो आपको पावर हाउस लेके जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पंडाल को, और बहुत ही खूबसूरत सा ये पंडाल बना हुआ है। अभी हम हैं पार्किंग में और पार्किंग में अपना बाइक वगैरह रख दिया है। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो रोड गया हुआ है उसको बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे लाइटिंग से सजाया हुआ है। और जस्ट हमारे सामने में पंडाल बना हुआ है, लिखा हुआ है भारत माता मंदिर करके। चलिए मैं आप लोग को बाहर से जो ओवर व्यू है इसका वो आप लोग को दिखलाता हूँ, फिर अंदर लेके चलते हैं आप लोग को। देख सकते हैं काफ़ी लोग पहुँचे हुए यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं सामने में पार्किंग है और बहुत ही खूबसूरत सा इस जगह को सजाया है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम बाहर में ही हैं, अंदर चलते हैं फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। ये सामने में है आपका पंडाल जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना गाइस तो आपको मस्त सुंदर यहाँ पे पेड़ों में लाइटिंग देखने को मिलेगा। देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। और ये गेट है गाइस, गेट के अंदर तो देखो लॉक लगा हुआ है, जाने का रास्ता कहाँ से वो देखते हैं। वैसे तो जाने का रास्ता उस साइड से, वो मुझे उधर से ही एंट्री होना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं गाइस खूबसूरत सा ये पंडाल बना हुआ है और लिखा हुआ है भारत माता मंदिर, देख रहे हैं। अभी तो हम बाहर में ही हैं, अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। तो चलिए गाइस अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए लाइन से सब जा रहे हैं। और ये रहा आपका खूबसूरत सा पंडाल, उसको दिखलाने वाले हैं। और यहाँ पे अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है गाइस। अभी हम अंदर आ चुके हैं और देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे गाने भी बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए अब लेट ना करते हुए आप लोग को दिखलाते हैं अंदर कैसा है नज़ारा। तो अंदर आप लोग को दिखलाते हैं किस तरह से यहाँ पे सजाया हुआ है। चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा इस पंडाल को सजाया हुआ है। चप्पल वगैरह तो हम निकाल के रख दिए हुए हैं बाहर में। ये देखिए इस तरह भी मस्त सुंदर सा सजाया हुआ है। अंदर देखते हैं, बाहर तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया है किस तरह से सजाया हुआ है, बहुत ही यूनिक टाइप का सजाया हुआ है। तो गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं पंडाल के अंदर में और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही यूनिक सजा हुआ है। यहाँ पे गाना भी चल रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो चुके हैं। मस्त सुंदर से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए बहुत ही यूनिक तरह से यहाँ पे सजाया हुआ है। यहाँ पे सामने में आपको झूमर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक झूमर और है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे झूमर लगे हुए हैं। लाइटिंग अगर बात किया जाए गाइस तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। चलिए पास जाकर आप लोग को दिखलाते हैं हमारी माता रानी को किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो पंडाल के अंदर में आप देखेंगे ना माता रानी जी के सामने में बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है। यहाँ से तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। ये पंडाल को मैंने दिखला दिया, माता रानी का भी आप लोगों को दर्शन कराया हुआ। यहाँ पे खूबसूरत सा पंडाल बनाया हुआ है जो कि लिखा हुआ है भारत माता मंदिर करके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड में गाना चल रहा है इसलिए मुझे ज़ोर से बोलना पड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ भी देखिए खाने पीने के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप जो भी खरीदना चाहते हैं, अगर गर्ल्स जो भी है तो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा सामने में चूड़ी, तो आपको पास से दिखलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेल 20 रुपये।
एरिया में, तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं जैसे कि ये सामने में लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। और इस साइड है खाने पीने के चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। और इस तरफ देखिए आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम भी अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं गाइस। और इस तरफ ये देखिए गर्ल्स के लिए हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपको जो भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरफ आगे देखते हैं छोटा सा झूला लगा हुआ है, ज़्यादा बड़े एरिया में तो नहीं लगा हुआ है झूला सेक्शन, तो छोटे बच्चों लोग के लिए है। इस तरफ ये देखिए जिसे हम बॉम्बे मिठाई भी बोलते हैं। चलिए इस तरफ देखते हैं, वही है छोटा सा झूला सेक्शन है। गाइस तो आज का जो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।